उत्तम शिक्षा ही है उज्जवल भविष्य का आधार। अपने बच्चों को दे सही दिशा, आज ही एडमिशन कराएं कालपी का सबसे विश्वसनीय स्कूल दयानंद बाल विद्या मंदिर। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, जहां बच्चों को मिलता है बेहतरीन वातावरण। यहां हम उनके मानसिक विकास के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी देते हैं विशेष ध्यान। दयानंद बाल विद्या मंदिर, कालपी, जालौन। जालौन के कोच में स्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्रवासियों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों की एक रैली निकाली गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गंदगी से होने वाले रोगों के बारे में भी जानकारी दी गई। जनपद जालौन के कोच में अशोक शुक्ला महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वच्छ भारत अभियान रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य नगर में नगरवासियों एवं ग्रामीणों को स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रेरित करना था। महाविद्यालय प्रांगण से शुरू हुई स्वच्छ भारत अभियान रैली में छात्राएं स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगाते नजर आईं। रैली के साथ छात्राएं कोच से ग्रामीण क्षेत्र सिकरी पहुंची, जहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ ग्रामीणों को भी स्वच्छता के लाभ बताए और खुले में शौच जाने के दुष्परिणाम भी बताए। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य ये था कि गांव में गंदगी हमें समझ में आई अधिक है, इसकी वजह से हमने सोचा कि अपने बच्चों को स्वच्छता अभियान के लिए वहां भेजा जाए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से योजना निकल रही है कि भारत को स्वच्छ रखना है। तो इस गांव को हमने चुना कि इस गांव को हम स्वच्छ रखें और यहां के लोगों को स्वच्छता के विषय में बताएं कि अपने अपने गाँव को स्वच्छ रखेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे और वो भी हम मुक्त रखेंगे तो हमें जो बीमारियाँ इससे फैल रही हैं तो उन बीमारियों से हमारा बचाव रहेगा। गवर्नमेंट जो सरकार ODF के लिए 12,000 रुपए दे रही है और ये साफ सफाई के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस माह में 23 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2018। न्यूज़ BK के लिए कोच से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।